लाइफस्टाइल विद गौरी चैनल की वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप मेरे हर लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको किचन टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बहुत ही यूजफुल रहती है। तो जो किचन टिप्स मेरे दादी ने, माँ ने मुझे बताई है, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। टिप नंबर 1, शक्कर को हमेशा स्टोर करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें चींटियां ना चली जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से 4 लौंग डालेंगे और इसे एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे। तो हमेशा जो है शुगर को इसी तरह से रखना चाहिए ताकि बिल्कुल भी चींटियां इसमें नहीं लगती और शुगर को अच्छा स्वाद भी आता है। नंबर 2, अभी हम मार्केट से दाल लेके आते हैं मंथली ग्रॉसरी में, जो भी दाल हो, तो सभी दालों के लिए ये टिप है। इसमें हमेशा कीड़ा वगैरह लग जाता है या एक अजीब सी स्मेल आ जाती है, तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता। तो इस तरह से इसे थोड़ा सा कट करके हम इसमें डाल देंगे, इससे बिल्कुल भी इसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। चाहे तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, 2 लाल मिर्च डंठल के साथ इसमें डाल देंगे तब भी इसमें कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और एक एयरटाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके रख दीजिएगा। नंबर 3 ड्राई फ्रूट्स के बारे में है, जो भी ड्राई फ्रूट्स हो, काजू बादाम, तो उसके लिए है। तो जो भी कंटेनर हो उसमें सबसे नीचे पहले नमक डालना चाहिए, जो खड़ा नमक होता है बड़ा वाला वो डालना चाहिए। और उसके ऊपर हम टिश्यू पेपर या फिर कोई भी न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा इस तरह से रख देंगे और उसके ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स रखेंगे। इससे ड्राई फ्रूट्स हमेशा साफ़ सुथरे रहते हैं, इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगते और फ्रेश रहते हैं और एक अजीब सी स्मेल भी नहीं आती। तो इसी तरह से काजू को भी हम स्टोर कर सकते हैं और हमेशा इसे एयरटाइट कंटेनर में रखना चाहिए या तो फिर फ्रिज में रखना चाहिए। नंबर 4, अगला टिप मूंगफली के बारे में है। मूंगफली हमेशा ख़राब हो जाती है 1-2 महीने हो जाने के बाद। इसमें अजीब सा स्वाद आता है या फिर ये इसमें अजीब सी स्मेल आ जाती है। बारिश के दिनों में इसमें जल्दी से कीड़ा भी लग जाता है, तो इसके लिए हमें थोड़ी धीमी आंच पर इसे रोस्ट रखना चाहिए। सारी मूंगफली जब रोस्ट हो जाए तो उसे थोड़े देर के लिए ठंडा होने दे और ठंडा हो जाने के बाद इसे हम एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देंगे। इस तरह से ये मूंगफली ठंडी हो गई है और इसे हम प्लास्टिक के कंटेनर में रख देंगे। टिप नंबर 5, टिप दूध के बारे में है। दूध उबालते समय उसमें 2 चम्मच चीनी डालनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि दूध हमेशा फट जाता है, जब लाइट ना हो, फ्रिज ख़राब हो या तो फिर समर के दिनों में दूध ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से हम अगर उबालते समय चीनी डालेंगे तो दूध बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, फटेगा नहीं। टिप नंबर 6, तो हम जो रोज़ नाइफ़ यूज़ करते हैं कटिंग के लिए, तो उसकी धार थोड़ी दिनों बाद कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो उसके लिए ये ट्रिक है कि किस तरह से हम इसकी धार को तेज कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास मग या कप हो उसके पीछे वाले साइड पे इस तरह से हम छुरी को रगड़ के इसे तेज कर देंगे। तो इस तरह से हमें 5 से 10 मिनट तक करना है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले एक साइड पे और बाद में दूसरी साइड पे। तो इस तरह से करने से छुरी की जो धार है वो तेज हो जाती है। नंबर 8, अभी हम प्याज काटते हैं तो आँखों में पानी आ जाता है, इसके लिए ये टिप है। तो हमेशा प्याज को आधा आधा कट करके बड़े पीसेस में हम पानी में डालेंगे
तरह से हमेशा प्याज को काटते समय ध्यान में रखें कि 5-10 मिनट तक हमें प्याज को पानी में डुबा कर रखना है। थोड़ी देर के लिए हम इसी तरह से प्याज को पानी में डाल के रखेंगे और उसके बाद हम कट कर लेंगे, ताकि इसमें जो अजीब सी स्मेल होती है वो भी चली जाती है और काटते समय प्याज काटते समय हमारे आँखों से आंसू भी नहीं आते। अगली टिप है टमाटर के बारे में। टमाटर काटते समय हमेशा नंबर 7 से जो पानी है वो निकल जाता है, तो हम 2 चम्मच की मदद से टमाटर को काटेंगे। तो इस तरह से जो फोग होते हैं, कांटे वाले चम्मच होते हैं, उसे इस तरह से हम ऊपर से लगा देंगे और उसके बीच में से टमाटर को काटेंगे। तो इस तरह से आसानी से टमाटर की स्लाइस बन जाती है और ज़्यादा उसका पानी भी बाहर नहीं निकलता। तो इस तरह से पकड़ के ध्यान से हम इसे काटेंगे। तो ये देखिए, अब हम स्पून को निकाल लेंगे और अच्छे से हमारी टमाटर के स्लाइस जो है वो तैयार है और बिल्कुल भी इसमें से पानी बाहर नहीं आया है और टमाटर चिपचिपा भी नहीं हुआ है। नंबर 9, वाटर डालने के बाद इस तरह से आइस के क्यूब निकल जाएंगे और आसानी से हम आइस निकाल सकते हैं। तो फिर इस तरह से ट्रे को ऊपर की तरफ से थोड़ा सा उछाल के इसे दूसरी प्लेट में उल्टा कर देंगे, तो सारे क्यूब्स जो है प्लेट में आसानी से आ जाएंगे। नंबर 10, ये है बेकिंग सोडा जो हम फ्रिज के लिए यूज करेंगे, जो फ्रिज में अजीब स्मेल आती है उसके लिए। जो पिछली वाली साइड होती है तो वहाँ पे हम इस तरह से ओपन करके इस बेकिंग सोडे को रख देंगे तो अजीब सी स्मेल चली जाती है। या तो फिर जब भी हम फ्रिज साफ करते हैं तो हमेशा इस तरह से पीछे वाली साइड में हम सोडा रख देंगे तो स्मेल नहीं आएगी। सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड लाइक करना मत भूलिएगा।